नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सजवान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी 2050 में, जहां पर हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉपर्टीज लेकर आते हैं। सेकंड होम की इस श्रृंखला में आज आपके लिए एक बेहद खूबसूरत कॉटेज लेकर आए हैं। जो लोग भी अपने लिए आउट हाउस देख रहे हैं, एक बिल्ट इन कॉटेज देख रहे हैं शहर से थोड़ा सा दूर और अपने बिल्कुल वादियों के बीच में, नेचर पास में हो, रिज़र्व फॉरेस्ट का आपको व्यू साथ साथ मिले, उसके अलावा फ्रेश एयर, 0% पॉल्यूशन आपको मिले, उसके साथ साथ आपको हिल व्यू पास में मिले, स्नोफॉल जहाँ पे होती हो, मसूरी हिल फेसिंग आपको व्यू मिले, ऐसे कॉटेज में आपको लेकर आए हैं। इस कॉटेज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये रोड से लगता हुआ कॉटेज है, चलती जो रोड है आपकी उससे लगता हुआ ये कॉटेज है और ऑलरेडी डेवलप्ड है। उन्होंने इसे ऑलरेडी डेवलप कर रखा है, अपने सेकेंड होम रहने पर्पस से ही इसे डेवलप कर रखा है कि कभी कभी आए वो और यहाँ पे रहें। और अभी करेंटली इस कॉटेज में केयरटेकर रह रहे हैं और जो कि कॉटेज को मेंटेन करके चल रहे हैं। पर्पस बहुत सारा है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें इस कॉटेज को, तो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी कॉटेज के अंदर चलते हैं और देखते हैं पूरे कॉटेज का नज़ारा। सबसे पहले तो आपको कॉटेज में जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पे ये मेन रोड बाहर में है, इसका शॉट आपको मिल जाएगा। ये एंट्रेंस में ही आपका गेट लगा हुआ है और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 7-8 फिट की बाउंड्री वॉल कर रखी है फ्रंट में। उसके अलावा पिलर्स वगैरह सब आपको दे रखे हैं। जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये रोड है, तो डबल साइड रोड की ये प्रॉपर्टी है। उस तरफ से भी मेन रोड आपकी आ जाती है जो ऑलमोस्ट 60 फिट की है और ये आपको अंदर में लगभग 24-25 फिट की सड़क मिलती है। तो आइए चलते हैं कॉटेज में, अंदर जाके पूरे कॉटेज का आनंद लेते हैं। अंदर आपको कुछ खूबसूरत डॉग्स भी मिलेंगे, जर्मन शेफर्ड वगैरह जिनका नाम मैक्स मार्शल वगैरह है, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। चलिए, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है, मैं अक्सर इस जगह में आता हूँ। तो इस समय हम लोग कॉटेज में पहुँच चुके हैं, ये कॉटेज के अंदर हम लोग इस समय हैं। मार्शल चाह रहा है कि हम मार्शल के साथ खेलें, बस मार्शल के पास अभी गेंद के जगह पत्थर है जो सीधे पाँव में पटकता हो। खैर एनीवेज, हम लोग कॉटेज के अंदर आ चुके हैं। जो ये 1 बीघा में जो कॉटेज बना हुआ है, ये उसका लॉन एरिया है पूरा। तो यहाँ पे आपकी इजीली व्हीकल वगैरह भी आप लाते हैं, तो पहले तो आपकी जो इंटीरियर जो आपको रोड मिली हुई है वो पर्सनल रोड है, उसमें भी आप अपनी गाड़ी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी जो व्हीकल है, मतलब यहाँ पे 4-व्हीलर भी अगर आप लाते हैं तो आराम से 4 बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे इजीली लग जाएंगी। एक गेट का एंट्रेंस आपको यहाँ से भी मिलता है, तो मेन रोड से भी आप इस गेट से होते हुए अंदर आ सकते हैं। बाकी अपने हिसाब से भी ओनर ने इसमें डेवलपमेंट करी है, पेड़ पौधे वगैरह लगाए हैं पूरे तरीके से। और एक चीज़ आप गौर करेंगे, जितनी भी आपकी जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं इस पर, उन सब में स्टोन का वर्क यूज़ किया गया है। तो कलरफुल स्टोन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो आप देख रहे हैं ये सारे कलरफुल स्टोन्स हैं, तो अच्छा लग रहा है। इनकी जो कटाई भी होती है वो बहुत महंगी पड़ती है, तो ये आपको यहाँ पे मिलता है। सामने में 2 पिलर्स लगा रखे हैं, बड़े हैवी से पिलर्स हैं। तो अगर खुद से भी आप इस प्रॉपर्टी में और भी कुछ डेवलपमेंट देख सकते हैं, या आपको लगता है कि हाँ इस विजुलाइज़ कर सकते हैं, ऐसा भी डेवलपमेंट हो सकता है, इस तरह से भी मैं कुछ बना सकता हूँ, तो वो आप ख़रीदने के बाद भी अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो है पूरा बड़े लैंड साइज़ में एक बना हुआ कॉटेज 3 बेडरूम सेट का। यहाँ पे पाथवेज बना रखे हैं अंदर में, अगर आप जॉगिंग वगैरह भी करना चाहें यहाँ पे, तो जॉगिंग वगैरह भी सुबह शाम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ट्रैक उसी हिसाब से बनाया गया है। बाकी आप देख सकते हैं पेड़ वगैरह इन्होंने काफ़ी लगा रखे हैं। तो जो लोग आउट हाउस पर्पस से देख रहे हैं या चाहते हैं कि कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ वगैरह भी करें, सेकेंड होम पर्पस से भी एक कॉटेज हो हमारा देहरादून में, तो उनके लिए बहुत सूटेबल प्रॉपर्टी है ये। आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिलती है, पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, तो पानी और बिजली की समस्या आपको यहाँ पे नहीं होगी। जैसे आप आगे बढ़ते हैं इस कॉटेज में, ना आपको अभी दिख रहा है ये कॉटेज इतने ही एरिया में डेवलप है। आप मेरे राइट साइड भी देखेंगे जो वॉल्स वगैरह हैं, उसमें स्क्वायर शेप में स्टोन की कटाई करी गई और उसके बाद इसको यहाँ पे लगाया गया है। बाकी आप देख सकते हैं रेलिंग वगैरह का भी यूज़ किया है। सेंटर में ही आपको सिटिंग स्पेस बना रखा है, तो अगर आपका ऐसा भी प्लान होता है कि जैसे मचान वगैरह होते हैं ना, आप डेवलप करते हो, तो मचान वगैरह भी आप डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे हाइट पे देके, और यहाँ से पूरा आसपास के व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। आप कह सकते हैं ये कभी ना ख़त्म होने वाला व्यू आपको मिलेगा हमेशा। यहाँ पे आपको गैदरिंग कराना चाहते हैं, बच्चे वगैरह हैं, आप उनके लिए पार्टीज़ वगैरह करना चाहते हैं ऑर्गेनाइज, तो ईज़िली कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे तो करके ये शहर डेवलप हो ही रहा है, देहरादून और डेवलप हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है,
उस लिहाज से बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है कि आज की डेट में आप एक तरह की प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो आपको इनकम भी जनरेट करके दे और साथ साथ आप खुद रहें भी वहाँ पे, क्योंकि इन तरह की प्रॉपर्टीज़ में आप खुद रह भी सकते हो और साथ साथ कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। तो यूज़ेस तो बहुत सारे हैं जो शायद हो सकता है आप मेरे से बेहतर बता सकें कि हाँ इस प्रॉपर्टी को देखते हुए कि क्या क्या यूज़ मैं इस प्रॉपर्टी का कर सकता हूँ। तो अभी आप लोग देखेंगे एक जादू। जादू कैसा? जैसे ये दरवाज़ा खुलेगा यहाँ से आएंगे कुछ ये देखा, और ये खेलने के लिए उतारू हो रखे हैं दोबारा, इनको खिलाओ कोई। अब एक पत्थर लेके आएगा और एक अपनी गेंद लेके आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपको खूबसूरत सा कॉटेज मिलता है, और लगभग अगर लैंड साइज़ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 200 गज में ये कॉटेज बना हुआ है, और लगभग एक बीघा से ज़्यादा की ये लैंड एरिया है फ्रंट से लेके बैक साइड तक। ये वाले पोर्शन को भी आप अगर किचन गार्डन के तौर पे भी डेवलप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला। काफ़ी अच्छी खासी सब्जियां यहाँ पे उग जाएंगी इस एरिया में, बाकी तो इतनी ज़मीन है जैसा मर्जी आप यूटिलाइज करना चाहें। तो जैसे ही आप कॉटेज के अंदर आते हैं, यहाँ कॉटेज में आपको मिलता है एक बड़ा सा लिविंग डाइनिंग स्पेस मिलता है, और बहुत ह्यूज स्पेस है। तो 6 सीटर डाइनिंग लगने के बाद भी आप देख लो बहुत बड़ा स्पेस आपको मिलता है। यहाँ आपके सोफ़ा सेट लगे हुए हैं, और इस कॉटेज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो टेपर लुक में है पूरा, ये यूरोपियन डिज़ाइन का कंसेप्ट दिया गया है। इंटीरियर में आपके वॉलपेपर का यूज़ किया गया है, और ज़्यादातर आपकी पीवीसी पैनलिंग कर रखी, ब्रिक लुक में वॉलपेपर्स लगा रखे हैं और पीवीसी पैनलिंग यूज़ करी गई है। बाकी सीलिंग में आपके कुछ खूबसूरत सी लाइट्स वगैरह दी गई हैं। इस तरफ आपको एक बेडरूम मिलता है, यहाँ एक बेडरूम मिलता है दोनों अटैच वॉशरूम के साथ, और एक रूम ये मिलता है। तो करंट में तो अभी जो केयरटेकर हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं अपने लिए रहने पर्पज़ के लिए। ऑल दो प्रॉपर्टी है इतनी बड़ी है कि आप अगर केयरटेकर के लिए भी एक छोटा सा सर्वेंट रूम भी बनाना चाहें तो बना सकते हो। सामने अगर आप गार्ड भी अगर रखना चाहें तो उसके लिए भी जगह है, वहाँ पे भी आप एक गार्ड रूम भी बना सकते हो। तो यूटिलाइजेशन तो जैसा मर्जी आप करो। तो ये तो आपका बड़ा सा लिविंग स्पेस, डाइनिंग स्पेस, आपका सोफ़ा सेट वगैरह सब चीज़ें लगी हुई हैं, और उसके साथ आपको एक किचन यहाँ पर मिलता है। तो किचन के लिए भी आपके काउंटर यहाँ पे सारे बने हुए हैं, और कंपार्टमेंट्स वगैरह सब यहाँ पे बना हुआ है। अभी इस प्रॉपर्टी का यूज़ पर्सनल पर्पज़ के लिए ही हो रहा है। जो ओनर हैं वो आते हैं यहाँ पे रहते हैं, और साथ साथ यहाँ पे उनके 3 डॉग्स हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी को देखना। यहाँ पे इसका फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम में आपको 6x6 का बेड लगा हुआ मिलता है, उसके अलावा एक छोटा सा सोफा दिया गया है, और उसके अलावा मूवमेंट करने के लिए स्पेस काफ़ी है यहाँ पे। बाकी पीवीसी पैनलिंग यहाँ पे कराई गई है। ये पीवीसी पैनलिंग आप समय के साथ साथ चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आता है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। या आपको यहाँ पे वॉशरूम मिलता है एक। जैसे ही हम वापस लिविंग स्पेस में आते हैं उसके बाद एक बेडरूम आपको यहाँ पे मिलता है। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली उससे बड़ा बेडरूम है। लगभग जो बेडरूम के साइज़ हैं वो 14x12 के तो ये होंगे, वो वाला आपका 12x12 के आसपास है, ये वाला आपका 10x11 के आसपास है। तो ये आपका आप देख सकते हैं 6x6 बेड लगाने के बाद भी आपको मूवमेंट के लिए काफ़ी जगह मिलती है। उसके अलावा एक छोटा सा दीवान यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बैक साइड भी आपको लगभग 4-5 फीट की गैलरी मिलती है, और ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम आपको मिलता है। वापस आप फिर उसी लिविंग स्पेस में आते हैं और फिर आपको एक और बेडरूम यहाँ पे मिलता है। इस बेडरूम का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, ये लगभग 10x11 के आसपास का बेडरूम है, और यहाँ पे भी एक डबल बेड लगने के बाद एक छोटा सा दीवान लगा रखा है। अच्छा, प्रॉपर्टी आपकी चारों तरफ से ओपन है, क्योंकि इस तरफ भी 4 फीट छोड़ रखा है, उस तरफ भी 4 फीट, और पीछे लगभग 5-6 फीट आपको इस प्रॉपर्टी से छोड़ के बनाया हुआ है। और फ्रंट में तो आपकी बहुत सारी ज़मीन है, मतलब पूरा ओपन लैंड एरिया है। ये पूरी जो प्रॉपर्टी है ये 1 बीघा से ज़्यादा में बनी हुई है, और सेकेंड होम पर्पज़ से या फिर कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, रिजॉर्ट वगैरह चलाना है, तो उस लिहाज से प्रॉपर्टी बहुत सुटेबल है। अपना आए फैमिली के साथ यहाँ पे रुके या यार दोस्तों के साथ, और ना परमानेंट भी आप यहाँ पे रह सकते हो, और या अगर आप चाहो कि कभी कभी यहाँ पे आएँ और अपना स्टे करें फिर वापस जाएँ, तो जो भी आपका पर्पज़ है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। प्रॉपर्टी लैंड साइज़ के मामले में बहुत बड़ी है, व्यू आपको ऐसा मिलता है जो कभी ना ख़त्म होने वाला व्यू है। तो दोस्तों ये है पूरी 1 बीघा से ज़्यादा में बना हुआ कॉटेज, बहुत बड़ी लैंड साइज़ में, और जो लोग भी सेकेंड होम पर्पज़ से या आउट हाउस पर्पज़ से
या चाहते हैं शांति से एकांत में एक जगह रहा जाए, या फिर अपनी कमर्शियल एक्टिविटी भी करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, क्योंकि मेन रोड से लगती हुई प्रॉपर्टी है और दोनों तरफ आपको रोड मिलती है, वहाँ पे तो आपको ऑन रोड मिलता है और आपको तो मेन रोड मिलती है, ये आपकी प्राइवेट रोड है, तो दोनों ही तरफ से आप इस प्रॉपर्टी में एक्सेस कर सकते हैं और खुली खुली प्रॉपर्टी है, एकदम जैसा मर्जी यूटिलाइजेशन करना चाहें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बीघा से ज़्यादा में बनी हुई प्रॉपर्टी जो कभी ना ख़त्म होने वाला व्यू आपको जो देता है फॉरेस्ट का और हिल का, शांति से आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ आप अपने चित परिचितों के साथ रहें, कभी आएँ तो अपना समय आप व्यतीत करें, सुकून भरी ज़िंदगी आप यहाँ पे जी सकें, तो उस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी है, बनी बनाई प्रॉपर्टी ऑलरेडी डेवलप्ड है। बाकी अगर आप इस प्रॉपर्टी के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो बस एक दिन पहले आप नोटिफाई कर लीजिएगा ताकि हम भी इन्फॉर्म कर पाएँ और तब आप इस प्रॉपर्टी पे आके विज़िट कर सकते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये भाववाला के पास में ही प्रॉपर्टी है, मेन क्लॉक टावर से अगर आप इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 26 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर अपनी व्हीकल में आप आते हैं तो लगभग आपको 50 मिनट लगेगा मेन क्लॉक टावर से आने में। उसके अलावा रूटीन के जो कन्वेंस हैं जैसे गाड़ी वगैरह हैं तो हर आधे घंटे में प्रेमनगर से गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ के लिए। और अगर पर्सनल कन्वेंस में आते हैं तो पर्सनल कन्वेंस में तो आप कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी प्रॉपर सीसी रोड बनी हुई है, प्रॉपर डेवलप्ड एरिया है, क्योंकि आसपास लोग रहते हैं, लोग गांव के लोग रहते हैं और कई सारे लोग आसपास बसे भी हुए हैं, कुछ रिजॉर्ट होम स्टेज कॉटेजेस या जो सेकंड होम वगैरह हैं, जो होम स्टेज हैं रिजॉर्ट हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे चलते हैं। अगर शिक्षा पर्पज से भी देख रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी देखेंगे, विद इन 6 किलोमीटर की विसिनिटी में आपको बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे, जैसे इंडियन पब्लिक स्कूल हो गया, इकोल ग्लोबल स्कूल हो गया, इकफा यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो बड़े बड़े संस्थान आपको आसपास 5-6 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएंगे। हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसकी डिस्टेंस यहाँ से 8-9 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं तो एक दिन पहले नोटिफाई कर लें, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लें। और जो लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो वीडियोज़ देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं पर सब्सक्राइब अभी तक किया नहीं तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इस प्रॉपर्टी का टूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।